हाय, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वजाइना के बारे में. वेल, टेक्निकली अगर देखा जाए तो वजाइना वो होल होता है जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और लड़कियाँ जहाँ से पीरियड्स के दौरान अपना ब्लड पास करती है. उस वजाइना को जो ऊपर का लेयर प्रोटेक्ट करता है उसे कहते हैं लिबिया मनोरा, बेसिकली इनर लिप्स आम भाषा में. और उन इनर लिप्स को जो ऊपर का और एक लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, जो हमें स्किन की तरह दिखता है, उसे कहते हैं लिबिया मजोरा, आउटर लिप्स. आप हम सब मिलके फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को वजाइना ही कहते हैं, तो मैं ये टर्म फॉलो करके ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो समझने में. नंबर वन, एसिमेट्रिकल इनर लिप्स. इसमें क्या होता है कि जो आपके इनर लिप्स होते हैं वजाइना के, वो अनइवन होते हैं शेप में, और एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, और एक की लंबाई इतनी लंबी होती है कि वो आउटर लिप्स के बाहर भी आके हैंग करता है, विच इज़ नॉर्मल, और ये काफ़ी कॉमन होता है ये टाइप. नंबर टू, कर्व्ड आउटर लिप्स. इसमें क्या होता है कि जो आउटर लिप्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं शेप में, जो नीचे आके इवेंचुअली एक दूसरे को टच करते हैं, पर इसके कर्व शेप के वजह से बीच में एक फ्रंट के टूवर्ड्स एक विंडो ओपन हो जाता है जहाँ से इनर लिप्स विजिबल होते हैं, पर वो लिप्स नीचे से हैंग नहीं करते बाहर के टूवर्ड्स, बिकॉज ऑब्वियसली आउटर लिप्स का शेप ऐसे रेडी हो जाता है कि नीचे से वो हैंग ही नहीं करेंगे इनर लिप्स, सिर्फ सामने से विजिबल होते हैं. तो ये शेप को आप हॉर्स शू से भी रिलेट कर सकते हो, बिकॉज वो समवॉट दिखने में हॉर्स शू की तरह भी लगता है. नंबर थ्री, प्रोमिनेंट इनर लिप्स. ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है जो पाया जाता है, पर फिर भी लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस हो जाती है इस टाइप के वजह से. उन्हें लगता है कि कुछ तो भी अबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है. इसमें जो इनर लिप्स होते हैं वो लंबे होते हैं आउटर लिप्स से, और वो बाहर के टूवर्ड्स हैंग करते हैं क्योंकि उनके लेंथ की वजह से, तो उसे एबनॉर्मल मत समझे. नंबर फोर, प्रोमिनेंट आउटर लिप्स. इसमें आपके जो आउटर लिप्स होते हैं वो फुल होते हैं, पफ्ड होते हैं, थिक होते हैं दिखने में, और ऐसा लगता है कि वो नीचे की टूवर्ड्स हैंग कर रहे हैं. या तो वो वैसे होते हैं या तो वो थिन होते हैं और लूज होते हैं, पर इसमें जो आपका आउटर लिप्स है वो प्रोमिनेंट होता है और इनर लिप्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते. नंबर फाइव, क्लोज्ड एंड स्मॉल लिप्स. बहुत लोगों को लगता है कि ये जो टाइप है ये ही एक टाइप ऑफ वजाइना है जो लड़कियों में होता है, बिकॉज ऐसा टाइप हम पॉर्न में देखते हैं या कहीं पे हमने पढ़ा हुआ होता है, या तो हम खुद इमेजिन करते हैं कि वजाइना ऐसा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है. ये लीस्ट कॉमन टाइप है. अपर लिप्स होते हैं वो कम्प्लीटली बंद होता है और इनर लिप्स को वो हिडन रखता है, इनर लिप्स विजिबल नहीं होते हैं. इसे बाबी वजाइना भी कहा जाता है, पर इट्स जस्ट अ नेम. तो सबको अगर ऐसा लगता है ना कि वजाइना ऐसा ही होता है और यही परफेक्ट वजाइना है, तो डूड ऐसा नहीं है. इसमें जो आउटर लिप्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वो प्यूबिक बोन पे रेस्ट करते हैं, तो जो वजाइना का शेप होता है ना वो दिखने में फ्लैट लगता है. नंबर सिक्स, स्मॉल ओपन लिप्स. ये दिखने में स्मॉल क्लोज लिप्स की तरह ही लगता है. इसमें जो आउटर लिप होता है वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता है, बिल्कुल थोड़ा सा, और वहां से इनर लिप्स विजिबल होते हैं, पर ये दिखने में बाबी वजाइना मैंने बताया था उसकी तरह ही लगते हैं, बस थोड़ी सी ओपनिंग होती है इसमें. नंबर सेवन, विजिबल इनर लिप्स. वेल, ये जो शेप होता है ये दिखने में ऐसा लगता है कि कोई फूल अभी अभी खिलने वाला है. इनफैक्ट काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये दिखने में ट्यूलिप फ्लावर की तरह भी लगता है. इसमें जो अपर लिप्स होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं और इनर लिप्स विजिबल होते हैं. तो ये थे सेवन मोस्ट कॉमन टाइप. अगर आपका वजाइना इन सेवन के अंदर फिट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वजाइना एबनॉर्मल है. बहुत सारे यूनिक शेप्स होते हैं, यूनिक साइजेस होते हैं, यूनिक कलर्स होते हैं, और मैं ये टाइप्स यूजुअली इसलिए बताती हूँ क्योंकि लड़कियाँ अपने खुद के बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती है. उनका एक पर्टिकुलर अगर माइंडसेट है कि ये चीज़ ऐसी ही दिखती है, जो हम सबके साथ होता है, तो उनको लगता है कि अब ये चीज़ मेरे में ऐसी नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है. वजाइना के मामले में हाँ, अगर आपके वजाइना में पेन हो रहा है या एक पर्टिकुलर से डिफरेंट स्मेल आ रही है, तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए. अदरवाइज प्लीज़ अपने बॉडी को प्यार कीजिए एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. एवरी वजाइना, उसका शेप, उसका कलर, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल. ये याद रखो. ओके, टाटा.